मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश में मिले ओमिक्रॉन के सभी 9 मरीज इंदौर के हैं, जिसमें से 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 2 को इलाज जो है अभी लगातार जारी है। रविवार को प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 8 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि की थी। रात में मिली रिपोर्ट में 23 साल का एक युवक भी ओमिक्रॉन संक्रमित मिला है। बता दें कि विदेश से इंदौर लौटे करीब 3,000 लोगों में से 1,000 लोगों की ओमिक्रॉन जांच की गई थी। इसमें से 26 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें से सैंपल जीनोम सीक्वेंस के लिए दिल्ली भेजे गए। इनमें 9 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि मिली। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पंचायत चुनाव को लेकर